मुल्तान सुल्तान के हाथों शिकस्त के बाद क्या लाहौर कलंदाज अब भी सुपर फोर राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकता है या नहीं। आज के ताज़ा तरीन पॉइंट्स टेबल जारी। पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पे मौजूद मुल्तान सुल्तान की टीम। मुल्तान सुल्तान ने PSL 9 एडिशन में कुल 6 मैचेस खेले, 5 जीते 1 हारा, 10 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे मौजूद है। जबकि क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने कुल 4 मैचेस खेले, 3 जीते 1 हारा, 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे मौजूद है। जबकि पिशावर जलमी की टीम ने 5 मैचेस खेले, 3 जीते 2 हारे, 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे मौजूद है। जबकि चौथी पोजीशन पे मौजूद कराची किंग्स ने 3 मैचेस खेले, 2 जीते 1 हारा, 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे मौजूद है। जबकि पांचवी पोजीशन पे मौजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 मैचेस खेले, 1 जीता 3 हारे, 2 पॉइंट्स के साथ पांचवी पोजीशन पे मौजूद है। जबकि पॉइंट्स टेबल की छठी पोजीशन पे मौजूद दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदाज ने PSL 9 में अब तक कुल 6 मैचेस खेले, 1 मैच भी नहीं जीत सके, 6 मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा, इनका कोई पॉइंट नहीं है और छठी पोजीशन पर मौजूद है। मुसलसल 6 मैचों में शिकस्त के बाद लाहौर कलंदाज के लिए अब सुपर फोर राउंड में क्वालिफाई करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। अब तक के लिए इतने ही। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।